वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीबीए थर्ड सेमेस्टर के टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप का यूनिट वन से मीनिंग, स्टेजेस, कॉन्सेप्ट, डिफरेंस, एलिमेंट्स, बेनिफिट्स एंड टाइप्स। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में नए आए हो, चैनल में नए आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीम बिल्डिंग प्रोसेस। टीम बिल्डिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज़। टीम बिल्डिंग रेफर्स करता है एक्टिविटी को अंडरटेकन बाय ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर मोटिवेशन एंड बूस्ट कोऑपरेशन। मैनी पीपल यूज द फ्रेजेज टीम बिल्डिंग एंड टीम वर्क। बहुत सारे लोग टीम वर्क यूज़ करता है या तो फिर टीम बिल्डिंग यूज़ करते हैं। दे आर टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। वो अलग दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। वाइल टीम बिल्डिंग प्लेसेज इम्फेसिस ऑन द क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स। जबकि टीम का मतलब होता है एक ग्रुप क्रिएट करना। टीम वर्क इम्फेसाइजेज दी फंक्शंस ऑफ दिस ग्रुप्स। जबकि टीम एक ग्रुप का इम्फेसाइज फंक्शन प्ले करता है। स्टेजेज ऑफ टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेज हैं वो देखेंगे हम लोग। दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली इज नोन एज टीम डेवलपमेंट। ब्रूस टकमैन, एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ब्रूस टकमैन एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है जिसने आइडेंटिफाइड अ फाइव स्टेज डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसने फाइव डेवलपमेंट प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया है दैट मोस्ट टीम्स फॉलो टू बिकम हाई परफॉर्मिंग। जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम इसे फॉलो करता है। ही कॉल्ड द स्टेजेस। पहला स्टेज है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्सेस ग्रुप। ग्रुप और टीम कॉन्सेप्ट इज अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप और टीम एक कॉन्सेप्ट है जिसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अडॉप्टेड किया गया है टू एकॉम्प्लिश वेरियस क्लाइंट प्रोजेक्ट। व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स आर क्लास्ड टुगेदर। जब एक से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, आइदर बाय द ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और आउट ऑफ सोशल नीड्स या किसी सोशल नीड्स के लिए, इट इज़ नोन एज अ ग्रुप, जिसे एक ग्रुप कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे है, ए टीम इज द कलेक्शन ऑफ पीपल। जबकि टीम एक उसे कहते कलेक्शन ऑफ पीपल को, हु आर लिंक्ड टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, जिसे एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहता है। ग्रुप, ए ग्रुप इज एन असेंबलेज ऑफ पर्सन्स हु वर्क। एक असेंबलेज है, एक ग्रुप है लोगों का, बंडल है जो एक साथ वर्क करते हैं। इंटरैक्ट एंड कोऑपरेट, जो कि एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। विद वन अनदर इन अचीविंग अ कॉमन गोल। जो भी एक कॉमन अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, इन अ स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में, द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर्स इज टेकन इंडिविजुअली, जो कि इंडिविजुअली अलग अलग लिए जाते हैं। द मेंबर्स शेयर इन्फॉर्मेशन, जबकि मेंबर्स इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है एक दूसरे के साथ, एंड रिसोर्सेज विद अदर ग्रुप मेंबर्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप का दो प्रकार होता है, दो टाइप्स होता है। फॉर्मल ग्रुप,
ग्रुप्स आर क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, जो कि फॉर्मल ग्रुप मैनेजमेंट के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर परफॉर्मिंग आ स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा है इनफॉर्मल ग्रुप, द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रुप्स इज डन नेचुरली, जबकि ये इनफॉर्मल ग्रुप और नेचुरली क्रिएटेड हो जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में, टू सेटिस्फाई द सोशल और साइकोलॉजिकल ह्यूमन नीड्स, जबकि साइकोलॉजिकल ह्यूमन नीड्स को या तो किसी सेटिस्फाई के लिए ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। टीम, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ज्वाइंट फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल। एक टीम, एक ग्रुप जो कि लोग जुड़ते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए विद इन आ स्टिपुलेटेड पीरियड, एक स्टिपुलेटेड पीरियड के लिए। हैविंग कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी इज नोन एज द टीम। अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन, द टीम मेंबर्स जो कि एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ऑल्सो शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक दूसरे के साथ शेयर करता है टीम में। ऑफ द टीम टास्क का, द टीम इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम, और टीम हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल होता है आउटकम्स के लिए, उनकी ड्यूटी के लिए। डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम, टीम और ग्रुप में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। ग्रुप एंड टीम, देयर इज ओनली वन हेड इन अ ग्रुप, ग्रुप में सिर्फ एक ही हेड होते हैं, जबकि ए टीम कैन हैव मोर देन वन हेड, जबकि एक टीम में एक से ज़्यादा भी हेड हो सकता है। द ग्रुप मेंबर्स डू नॉट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप मेंबर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर नहीं कर सकता, जबकि टीम मेंबर्स शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने करते हैं। द ग्रुप फोकसेस ऑन अचीविंग दी इंडिविजुअल गोल्स, ग्रुप फोकस करता है कि इंडिविजुअली गोल्स को अचीव करने के लिए। द टीम मेंबर्स फोकस ऑन अचीविंग द टीम गोल्स, और टीम मेंबर्स टीम की गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस करता है। द ग्रुप प्रोड्यूसेस इंडिविजुअल वर्क प्रोडक्ट, जबकि एक ग्रुप प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल वर्क को। द टीम हु प्रोड्यूसेस कलेक्टिव वर्क प्रोडक्ट, और टीम एक साथ कलेक्टिव प्रोडक्ट को, कलेक्टिव वर्क को प्रोड्यूस करता है। द ग्रुप मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट, ग्रुप के मेंबर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि टीम मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट, जो कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है टीम मेंबर। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब लोग एक साथ वर्क करते हैं, दे कैन शेयर एंड कंपेयर आइडियाज एंड चूज द वन दैट बेस्ट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो एक दूसरे के साथ अपने अपनी आइडियाज शेयर करते हैं, देन जो सबसे ज़्यादा बेटर आइडिया होता है उसे चूज़ करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देयर इज़ यूजुअली मोर देन वन सॉल्यूशन, तब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस निकल जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। टू एवरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम के लिए, द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज ऑलवेज द सेम। इसका कुछ सॉल्विंग के लिए प्रोसेस दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको फाइंड द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम फाइंड करने हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करने हैं, देन डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने हैं, डायग्नोज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, डायग्नोज कीजिए, देन टेस्ट दी डायग्नोसिस, देन प्रॉब्लम को टेस्ट कीजिए, डायग्नोसिस को टेस्ट कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कुछ हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, सेंट्रल फोकस, मैनेजिंग एंड लीडरशिप,
एनालाइजिंग आ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन, तब जाके उसको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में खुद से बना बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम बेनिफिट्स, लर्न द मोस्ट प्रोएक्टिव टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रोएक्टिव टेक्निक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए। अंडरस्टैंड डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग अप्रोच को समझिए। वर्क टुगेदर स्मार्टर, एक साथ स्मार्ट वर्क करिए, नोट हार्ड वर्क, ना कि हार्ड वर्क। नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट, पहले जानिए कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। लिसन एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इफेक्टिवली सुनिए और कम्युनिकेट कीजिए। सेल्फ मैनेजमेंट टीम्स, ए सेल्फ मैनेजमेंट टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। एक सेल्फ मैनेजमेंट टीम एक एम्प्लॉय का ग्रुप है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंड अकाउंटेबल होता है फॉर ऑल और मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग के लिए और डिलीवरी आ सर्विस, एक और सर्विस डिलीवर के लिए। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स असाइन टास्क टू एम्प्लॉयज़ डिपेंडिंग, जो कि एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स करता है एम्प्लॉयज़ की डिपेंडिंग पे ऑन देयर स्पेशलिस्ट स्किल्स, उसके स्पेशलिस्ट स्किल्स के लिए। और द डिपार्टमेंट विद इन विच दे वर्क, ए सेल्फ मैनेजमेंट टीम कैरीज आउट सपोर्टिंग टास्क। एक सेल्फ मैनेजमेंट टीम जो है कैरी करता है सपोर्टिंग टास्क के लिए, सच एज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग द वर्क फ्लो एंड मैनेजिंग एनुअल। एक शेड्यूल करता है, प्लानिंग करता है काम को कैसे करने हैं। लीव एंड अब्सेंस मैनेजमेंट एंड टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट और टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टिपिकली रोटेड अमंग द टीम मेंबर्स, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टीम मेंबर्स में। टाइप ऑफ टीम्स, प्रोजेक्ट टीम सेल्फ मैनेज्ड टीम होते हैं, वर्चुअल टीम जो कि अलग अलग लोकेशन से लोग वर्क करते हैं टीम में। ऑपरेशनल टीम जो कि ऑपरेशनल के लिए अलग टीम होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अलग टीम होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही तक, आपका यूनिट 1 ख़त्म होता है। एंड वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और नोट्स भी चाहिए तो बता देना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।